हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी फ़ोटो पर डबल लाइट इफ़ेक्ट कैसे दिया जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक फ़ोटो है जिस पर मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डबल लाइट इफ़ेक्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब इस वाली फ़ोटो को देखिए आप लोग। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाली फ़ोटो को। अब यहाँ पर मैं लेयर पैनल में चलता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ, इस कलर को। पहले कुछ इस तरह का था ये फ़ोटो, और डबल लाइट इफ़ेक्ट के बाद में ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो कितना अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर डबल लाइट इफ़ेक्ट देना चाहते हैं अपनी फ़ोटो के अंदर, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस फोटो को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस फोटो को हटा दिया है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ोटो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपका फ़ोटो होगा उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये फ़ोटो है, तो ये वाला फ़ोटो नहीं दोस्तों, आप कोई सा भी अगर आपके पास में फ़ोटो हो तो उसको आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छे से दिखता रहे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इतना यहाँ पर जूम कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इतना कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर इस पर डबल यहाँ पर डबल लाइट इफेक्ट देने के लिए हमें क्या करना होगा, लेयर पैनल में आ जाना है आपको। अगर ये लेयर पैनल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर विंडो में क्लिक करोगे और यहाँ पर लेयर पैनल पे क्लिक करोगे तो ये लेयर पैनल यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे लेयर पैनल ओपन होने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक एडजस्टमेंट टूल मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर ग्रेडियंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ग्रेडियंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पर हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसी के अंदर से कोई भी एक ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, पॉइंट वाले इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में नीचे कलर पे क्लिक करेंगे, और जो भी कलर का आप यहाँ पर इफ़ेक्ट दे देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रेड कलर को चूज करूँगा, और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। पहले ओके पे क्लिक करने से पहले हमें इस वाले यहाँ पर, मैं एक बार तो इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें जो ये एंगल है, इस एंगल को यहाँ से हमें 180 कर देना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने 180 कर दिया है। उसके बाद वापस से ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, और इसको थोड़ा सा इधर हमें खींच देना है कुछ इस प्रकार से। इस पॉइंट को भी हमें थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से खींच देना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद में हमें जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक कलर यहाँ पर लग गया है। उसके बाद में यहाँ पर भी हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में चलते हैं वापस से एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस वाले पे क्लिक कर देंगे ग्रेडियंट पे, और यहाँ पर हम वापस से इस पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कलर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दूसरा कलर कौन सा लेना चाहते हो आप, वो कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो दूसरा कलर मैं यहाँ पर ये वाला लेना चाहता हूँ, ब्लू कलर का। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया है। उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको इधर की साइड बढ़ा देंगे यहाँ पर, और इसको भी हम थोड़ा सा इधर की साइड बढ़ा देंगे, और ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर इसका एंगल हम जीरो कर देंगे। जीरो करने पर ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अब उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो दोनों कलर लग गया है, हमारा लेयर में दिखा रहा है दोस्तों दोनों लेयर यहाँ पर, दोनों कलर। तो यहाँ पर हम दोनों जो दोनों लेयर है इनको हम लिंक कर देंगे, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन को प्रेस कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अब उसके बाद में ये एक कलर में कंबाइंड हो गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे आपको सेकंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कलर पे क्लिक करते ही अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों जो कलर है रेड एंड ब्लू, ये दोनों इस फोटो के अंदर मर्ज हो गए हैं, यानी कि कलर हो गया है इन दोनों का। अब उसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर ओपेसिटी ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कितना कम ज़्यादा आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर कुछ इतना यहाँ पर कुछ इस तरह से रख सकते हो, या फिर आप फुल यहाँ पर ओपेसिटी बढ़ा दीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको हाइड करके आपको दिखाता हूँ। पहले तो कुछ इस तरह का था हमारा ये
फ़ोटो, उसके बाद में डबल लाइट इफेक्ट देने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारा ये फ़ोटो हो गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी फ़ोटो पर डबल लाइट इफेक्ट आसानी के साथ में दे सकते हो। सो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी फ़ोटो पर डबल लाइट इफेक्ट किस तरह से दिया जाता है। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।